और हिम्मत नहीं खोना है। हम लोग बाबा चौहानों के वंशज हैं, हम लोग हिम्मत नहीं खोते, हम लोग लड़ते हैं, ठीक है, एकदम लड़ना है। चौकीदार दफ्तार लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बात मानेगी? एकदम बात मानेगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इन सारे चीज पे एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। हम लोग हमारे अनशनकारी को अभी जूस पिला करके अनशन जो है अभी स्थगित कराए हैं, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है इस मांग को जो है मुख्यमंत्री से बात की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ जमुई के सांसद अरुण भाटी जो पहुंचे हैं पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग में। अरुण जी, चौकीदार दफ्तार लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बात मानेगी? एकदम बात मानेगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इन सारे चीज पे एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। आपको मैं बता दूं, संज्ञान में दे दूं कि पिछले 7 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी इन मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, और अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा मिलेंगे, और सरकार भी इन पे सकारात्मक पहल उठा चुकी है, और आने वाले वक्त में इस पे एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। लेकिन चिराग पासवान नहीं आए, चिराग पासवान को यहाँ पे सब खोज रहे हैं कि हम लोग जो है दलित का वोटर है, चिराग पासवान को जो 5 सीट मिला था उनको जिताने के काम किया, हम लोग को देखने तक ही नहीं आया, चिराग पासवान खुद आप वही आए। देखिए, हम अपने पूरे समाज को, बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमें अपना पूरा आशीर्वाद दिया और हमारे सारे के सारे सांसदों को जिताने का काम किया है। हमारे सारे सांसद, हमारे सारे के सारे नेता, हमारी पूरी पार्टी बिहार की हर समाज के साथ, हर वर्ग के साथ, बिहार की जनता के साथ खड़ी है, और कभी भी कोई ऐसा मौसम मौका आएगा, कोई ऐसा आपत्ति आएगा, विपत्ति आएगा, तो हम लोग उनके लिए समर्पित हैं, हमेशा आएंगे। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस पे सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में इसका एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। पिछले बार इन लोग गांधी मैदान से आ रहे थे राजभवन की ओर, लेकिन जेपी गोलंबर पर इन लोग का घेर करके पीटा गया, कई लोग का जो है डिटेन करके थाने लेके गया गया। नहीं, अगर किसी वर्ग का, किसी समाज का, बिहार की जनता का कोई भी आवाज़ हो, मुझे लगता है कि उसको सुना जाने का काम करना चाहिए, और ये जो इस तरह की जो हिंसा होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कभी भी कोई भी मांग हो, ऐसी कोई भी कभी आपत्ति हो, किसी भी वर्ग को हो, किसी समाज को हो, किसी भी बिहार की जनता का हो, उसको बैठ करके बातचीत करके सुना जाना चाहिए, और फिर उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आप लोग बात ये रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से बैठे हुए थे, कई सालों से लोग यहाँ बैठे हुए थे, लंबे समय से इस तरह से बात, एकदम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे में हम लोग लगातार राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इन मांगों को अवगत कराएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी भी हमारी मांगों को सुन करके एक सकारात्मक समाधान जरूर निकालेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने लंबे समय से भी यहाँ पर बैठे हुए थे, कई बार आपने लाठियाँ भी खाई, आज सांसद महोदय को बुलाए, क्या आश्वासन मिली? देखिए, जो है हमारी जो है समस्याओं को लेकर के हम लोग तो अनवरत संघर्ष कर ही रहे थे, देखे कि लाठी भी हम लोग पे चलाई गई, और ये जो है माननीय केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान जी के जो है पहल पे जो है उन्होंने जो है पहल किया, और मुख्यमंत्री जी से जो है बात करके हम लोग को आश्वस्त किए हैं, जो सांसद महोदय आए हुए हैं, हम लोग हमारे अनशनकारी को अभी जूस पिला करके अनशन जो है अभी स्थगित कराए हैं, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है इस मांग को जो है मुख्यमंत्री से बात की गई है, और भरोसा दिला है कि आपकी मांग को हर हाल में जो है पूरी की जाएगी, जो आपका जो सिस्टम पहले से था उसको पुनः बहाल किया जाएगा, यही आश्वासन हम लोगों को मिला है। और इसी के साथ जो है हम जो आज 8वां दिन अनशन का था, हम लोग अनशन को जो है स्थगित किए हैं, क्योंकि हमारे अनशनकारियों को जूस पिला करके अनशन तोड़ाया गया है, समाप्त ये अनशन स्थगित कराया गया है। तो मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो ये जो है पुनः जो है हमारा जो है अनशन फिर से स्टार्ट होगा, या अनशन बंद नहीं हुआ, केवल स्थगित किया गया है। चिराग पासवान जी नहीं आए, चिराग पासवान जी के बारे में बताया जा रहा है कि
ये जो है सरकार के जो कामों में जो है व्यस्त थे, उनको मौका नहीं मिला, उनको भी शायद आज आना था, इस वजह से वह नहीं आ सके। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन बाद जो वो आएंगे तो हमसे उससे मिल करके और मुख्यमंत्री से लाइनअप करके हमारी बात जो है कराएंगे, यही हम लोग को तो बताया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार सिंह को साधक बारह दफादार चौधर पंचायत। सुना जिस तरह से जो है चौकीदार दफेदार को जो बातों को लेकर के अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो भी सांसद हैं वो मिलने के जो है मुख्यमंत्री से बातें कहेंगे, तक इतना लेते नहीं बने रहे रिपब्लिकन पे। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।